हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। कैसे हो आप सब? भी उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बिट्टे स्लेब पर रख ले, बाहर धूप में खट गए। और आप सभी अच्छे होंगे? मैं भी ठीक हूँ। सुबह का सारा काम हो गया, गोपाल जी की पूजा भी हो गई, बच्चे भी नहा लिए, भैया भी नहा लिए, आपके सदस्य हम लोग है ना नहा लिए, कपड़े पड़े हैं बहुत सारे, कपड़े धोने हैं और दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। दोपहर के खाने में आज क्या बनाएंगे ये आप लोगों को पता चल जाएगा वीडियो में। तो फिलहाल जो है आप लोगों से थोड़ी यहाँ बात पे करनी। भैया है ना, मिट्टी उठा रहा था, मिट्टी उपाड़ी यहाँ से, और ये मिट्टी उठा रहा था यहाँ पे। ये कह रहा कहाँ रखूँ, मैंने कहा यहाँ रख लो, और मामा भांजी दोनों लाए उठा के। मामा डरा रहा था भांजी को, लुल्लू, ये देख लुल्लू आ गया इसमें। और वो सारी मिट्टी को है ना फावले से अच्छे से, मतलब रोंद रहा था, मतलब वो बोलते हैं ना फावले से थोड़ा सा इसको कर देते हैं, मट्टी फोड़ सी ली इसने, फावले से मंड रहा था ये। फिर उसमें इसने बीच में पानी गिर के, और जैसे चिनाई वाले मिस्त्री करते हैं ना, सेम ऐसे ही कर रहा था। और यहाँ मैं धुल रही थी कपड़े, नहा ली थी मैं, और नहा के मैं कपड़े धुलने लगी थी। गारा तैयार कर लिया है। जी हाँ, आज गारे से हम क्या बनाने वाले हैं आप लोग भी देखेगा आगे वीडियो में, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। तो मैं बोल रही थी कि इसमें तो है ना गांठ गांठ सी हो रही है दीदी, ये तो सब फूट जाएगी, आप चिंता मत, आप बनाना स्टार्ट करो, फिर तो ये सब ढीली हो जाएगी। अब जैसे बनाओगे ना पानी का यूज होगा। कपड़े धो रही हूँ, पर कपड़े धोते धोते बीच में और भी काम होते हैं, वे काम करने काम जरूरी है। खाना, जी हाँ, भूख लग रही है, खाने की तैयारी करते हैं। क्या बना रहे थे बोल रही थी ना मैं, कुछ जो भी बनाएंगे आप लोगों को बताएंगे। अरे खुल जा भैया, खुलता ही नहीं है डब्बा तो। आज हम खाने में बनाने हैं तहरी। जी हाँ, तहरी बना रहे हैं, तहरी खाने का मन है हमारा। मटरा निकाल ली येरी, टमाटर काटना है, गैस करनी है, और गैस ऑन कर दी, कुकर रख ले। यहाँ पे मैं तहरी छोक रही थी। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं खाने में तहरी। कपड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अच्छी खासी ठंड है, तो गर्मियों में तो तहरी नहीं खाई जाती, पर सर्दियों में कभी कभार, हम रोज़ तो नहीं बनाते, कभी कभार तहरी बना लेते हैं। और यहाँ मैं झकोल रही थी कपड़े। जी हाँ, पहले मैंने धोए, निवाए निवाए पानी में सारे कपड़े मल दिए, और फिर उसके बाद में मैं ना कपड़े झकोल रही थी, तो भाई ने पानी खींचा कि लाओ मैं थोड़ा सा पानी खींच दूंगा, दीदी तू झकोल ले, क्योंकि दो बेडशीट हो रही थी भाई, और करके हम सबके कपड़े थे, तो मैंने यहाँ ये चारपाई आगे करके ना ऐसे निकाल निकाल के पानी पे, इसकी दवान पे टेक लिया, और वही पानी खींच रहा था कि ला मैं खींच दूंगा, बहुत पानी खींचता है कपड़ों में। और मैं बस यहाँ लगी हुई थी, मेरे कपड़े धो गए, मैं फला रही थी, और हमारा कपड़ों का काम निमट गया, और धूप निकल रही है। आज मैं सोची थी कि अब डाल देती हूँ, और फिर पता क्या होता है, शाम में मौसम ख़राब हो जाता है। अभी सुखाने वाली मशीन मैंने सही नहीं कराई, आपको बता दूँ, बस धोने वाली से ही काम चला रही हूँ, पर अब 2-3 दिन से मैं सारे कपड़े हाथ से ही धो रही हूँ, उसको भी नहीं चला रही मैं, क्योंकि पानी मतलब कम से कम 6-7 बाल्टी पानी मुझे मशीन में ले जाके गिरना पड़ता है, और फिर उसके बाद में मशीन में ले जाके डालने के बाद फिर काटना, उसको साफ़ करना, मतलब मुझे पता नहीं क्यों दिक्कत सी मालूम दी। मैंने सोचा इतनी देर में उसमें लगाती हूँ ना, इतनी देर में मैं हाथ से धो के फुला देती हूँ, पहले भी कर देती थी मैं ये काम, और फिर कुछ दिन बीच में मैं भी कपड़े धो के और बर्तन साफ़ करके बिल्कुल अभी अभी बैठी हूँ, आप लोगों को दिखा दूँ कपड़े में, ये देखो मैंने कपड़े धुले हैं, और भाई इधर बैक में पर्दे फैल रहे होंगे, यहाँ पे मेरे इधर से चोंद लग रही है, पर्दे फैल रहे हैं, परली साइड से है ना ये रखे कुछ बर्तन, अभी यहाँ से उठाने हैं साफ करे हुए। चाचा जी इधर की साइड में मतलब दीवार पे उधर चादर डाल रखी है, और ये पर्दे वगैरह धोए, सांस नहीं आ रहा। मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आप स्लो मोशन में वीडियो मत बनाया करो। ठीक है, मैं बिल्कुल भी स्लो मोशन में वीडियो नहीं बनाऊंगी, अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है तो मैं वो काम नहीं करूँगी बिल्कुल भी। और आज मैंने कुछ बनाया है, वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी, और आप लोग कमेंट करके भी बताना कैसी लगी आप लोगों को ये चीज़। बहुत मेहनत से बनाया, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। और हाल फिलहाल तो हम लोग है ना थोड़ा सा थोड़ी सी देर के लिए धूप में बैठी हूँ। आप लोगों के कमेंट्स मुझे बुरे नहीं लगे, अच्छे लगे, जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे हो। 2 दिन से नोट कर रही हूँ मैं ये चीज़, अब नहीं करूँगी, मेरे फैमिली वालों को अच्छी नहीं लग रही है, तो वो काम मैं बिल्कुल भी नहीं दोहराऊँगी। चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे।
यही आदत, वही वाली आदत फिर से हो गई। मैंने सोचा इतने सिर दर्द ही उठाऊंगी, इतने हाथ से ही धो लूंगी। और यहाँ ये बनाया है चूल्हा, आप लोगों को चूल्हा दिखा दिया, देखिए चूल्हा कैसा लग रहा है भाई, कमेंट करके बताना। और एक एक चीज़ और बनाई है, वो भी आप लोगों को आगे वीडियो में, अगली वीडियो में दिखाएंगे, आज तो नहीं दिखा पाएंगे। और यहाँ मैं अवनी और कायरव के बालों में कंघी कर रही थी, उसके बाद में कायरव की जो है ना जर्सी बाजू के पास से फट रही थी, इसको मैं थोड़ा सा सील रही थी। मैंने सोचा लो इसमें थोड़ी सी सिलाई मार दूँ, फट रही है ये। और यहाँ मैंने चूल्हे पर किया था पानी गर्म, मैं चूल्हा साफ़ कर रही हूँ, तो मुझे चूल्हे की सारी राख उठानी है। पहले मैं राख इकट्ठा कर रही हूँ। कायरव बाबूजी खेल रहे हैं और अवनी मेरी वीडियो शूट कर रही है, उनका मामा बाजार गया है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो बाबूजी यहीं आके बैठ गए, मैं चूल्हा लीप रही थी तो मम्मी आपके पास बैठूंगा, मैंने कहा बैठ जाओ यहीं पे, और वो यहीं पे मेरे पास बैठ गया, मैं चूल्हा लीप रही थी। बच्चे बस ऐसे ही होते हैं। और थोड़ा सा है ना ये राख वगैरह उठा के मैंने सोचा कि चलो इसको लीप भी देते हैं, काला काला हो रहा है। जब कहीं पतीली गर्म पानी करते तो फिर ज़्यादा भट्टा सा हो जाता है चूल्हा, बहुत गंदा लग रहा था और लीपना भी था। मैंने सारी राख उठा के इसको लीप दिया और अभी मैं डाल रही हूँ कैंपर में पानी। जी हाँ, कैंपर मैंने कल साफ़ किया था बहुत अच्छे से। अब जब उसमें ना पानी कम हो जाता है तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है पहले कि कैंपर में पानी कम हो रहा है, कम आ रहा है पानी, तो मैं वहीं एक दो भगोना पानी वहीं ले जाके इसमें डाल देती हूँ। और बस कैंपर में पानी डाल दिया, पूरा मेरा किचन क्लीन पड़ा, बिल्कुल साफ़ पड़ा हुआ है मेरा घर। मुझे ना पता नहीं ये गंदी आदत लग गई है, मुझे थोड़ा सा भी मतलब घर में कूड़ा हो जाएगा जहाँ कहीं भी, या बरामदे में मट्टी आ जाए पाँव से, एकदम बहुत अजीब लगा है। गैल में झाड़ू लेके मंड जाऊँ तो दो तीन तीन बार झाड़ू मैं बरामदे में लगा के रूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। फैला हुआ रूम में फैला हुआ सामान अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। फिर हम लोग बाहर खड़े हुए थे तो यहाँ की हमने थोड़ी सी बाहर की वीडियो शूट कर ली, ये थोड़ा सा बाहर का दिखा देते हैं। और यहाँ कायरो बैठा था स्लिप पे और ये खा रहा था मूँगफली। जी हाँ, मेरे को कुछ काम करना था तो ये रोने लगा, मैं मूँगफली ले रही थी, मैंने कहा मूँगफली खा लो, तो वही मूँगफली खा रहा था बैठ के यहाँ स्लिप पे मेरे पास में। मैंने कहा ले बैठ जा, चल यहीं बैठ जा। कभी कभी है ना बच्चा है छोटा है अनजान है, जिद करने लगता है, तो अब ये तो नहीं कि हर वक्त मतलब इसकी पिटाई करूँ भैया, इसको हर वक्त धमकाया जाता है। छोटे बच्चों के साथ में तो कभी साथ में लगा के, कभी बैठा के, कभी किसी चीज़ से खिला के, ऐसे काम करना पड़ता है। सब चीजों का बता रहे यहाँ पे ना। कायरव के बाबा जी बैठे हुए थे तो कायरव से पूछे थे, कायरव बाबू कहाँ, बाबा जी कहाँ, नहीं कहाँ, सबको बता दिया। और यहाँ मैंने बनाए हैं ये लड्डू, तो ये किस चीज़ के लड्डू है वो भी मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ, किस चीज़ के लड्डू हैं ये। ये मैंने बनाए हैं दलिए के लड्डू। जी हाँ, दलिए के लड्डू। इसमें बस क्या करना है, दलिए को भूनना है, बूरा और मावा दोनों चीज़ मिला के बनाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर ज़्यादा मोटा लगे आप लोगों को तो आप इसे मिक्सी में पीस ले, आटे की तरह बना ले और उसको और अच्छे से भून ले, तब भी मतलब बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में दलिए के लड्डू। मावे का इस्तेमाल होता है इसमें, मैंने मोल का ही मंगाया था थोड़ा सा। और यहाँ बना रही हूँ मैं चावल के आटे के लड्डू। बना लिए हमने काहे के लड्डू बनाए हैं भाई, दलिए के लड्डू और चावल के आटे के लड्डू। इसमें मावा डाल के बहुत अच्छे लगते हैं। इन्वर्टर खोलिए, नहीं 5 बजे आप लोगों को दिखाएं, बड़ी मेहनत के साथ मैंने बनाए हैं, बड़े टेस्टी लगते हैं खाने में भी। ये रहे, लड्डू बनकर तैयार हो गए थे। जी हाँ, मैंने बताया था ना उसके दलिए के लड्डू और चावल के आटे के लड्डू और कुछ पेड़े मैंने बनाए थे, दोनों चीज़ बनके तैयार हो गया।
और मैं रख रही हूँ साथ के साथ दूध पकने के लिए। दूध के साथ साथ मैंने चाय भी बनने के लिए रखी है। दोनों चीज़ें गैस पर रख दिया है, दोनों गैस चल रही है। ये देखिए, इधर दूध पकता रहेगा, इधर चाय बनती रहेगी। दोनों चीज़ें तैयार कर लेते हैं। खाना हमारा बन गया है, शाम का सारा काम बाकी का मतलब रोटी खाने का निमट गया। बर्तन साफ़ करने हैं, गैस का चूल्हा साफ़ करके रखना है, चाय बना रही हूँ, दूध पकाना है, ये काम भी कर लेते हैं। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। मैंने थोड़ा सा अदरक लिया था, वो भी ये रहा, इसको अंदर रख देते हैं बास्केट। रुक जाइए बस, बल्ली कड़ गई जी, थम जाइए। मैं बहुत तरीके से रखा हूँ, काटने वाला आदमी मैं, दुख नहीं लगा देता। टूट गई, दिखा यो जरा सा चोट, जरा सी चोट ने मैं नचा दी। कहाँ से जाए? मर गया, मर गया, मर गया। और लिल्लू का पाँ मर गया। लिल्लू को वहां से ले रहा। आया कहना कायरव का पट्टी लियाओ, पट्टी लियाओ। ये डॉक्टर देखो, कर पर चोट लग गई। चलिए आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। बात करूँगी मैं दो चीज़ों की। एक तो मैंने आज मिट्टी से क्या बनाया, ये आप लोगों को वीडियो में अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। बड़ी मेहनत के बाद मैं मतलब मिट्टी से ये चीज़ बना पाई हूँ, और काफ़ी टाइम लगा। और भाई थोड़ी सी तो मतलब कंप्लीट तैयार नहीं हुआ है, चूल्हा बनाया है तो उसमें अभी थोड़ा सा काम बाकी है। और सारा शाम का काम को फिनिश हो गया था। मैं पाँव में बता दूं आप लोगों को, अपने लिए दूध लेने के लिए जा रही थी, पता नहीं कहाँ से लोहे की फांस बढ़ गई, बहुत दर्द हुआ, बहुत दिक्कत हुई मेरे पैर में, बहुत छछस भाई ने निकाल ली, जब जाके मेरी जान बची। बड़ा दर्द है और अभी तलवे में दर्द है, पर काम तो करना ही पड़ता है। फिलहाल तो मैं बैठी हूँ, चीज़ कम है। और मैंने आज है ना दलिए के लड्डू बनाए थे। कुछ लोग बोलेंगे ये क्या नया ऊटपटांग करती रहती है, पहले खुद से सीख ले, कर ले। पिछली वीडियो में देखा मैंने बहुत कुछ बोल रखा था, सीख के या खुद कुछ नया दिखा के यही रहता है मेरा रीजन, कि आप लोगों को भी कुछ नया देखने के लिए मिले। दलिए के लड्डू में आपको क्या करना है, दलिया थोड़ा मोटा मोटा रहता है, तो मैंने नहीं पीसा मिक्सी में। आप उसको मिक्सी में पीस ले और बिल्कुल आटे की तरह बना ले, जैसे मतलब चून रहता है, उसको खूब अच्छे से भून ले, मतलब जैसे सूजी को भून लेते ना, सूखा भून ले उसको, सूखा भून ले, या फिर उसे घी डालकर भून ले और सूजी की तरह उसको लाल लाल कर ले थोड़ा। उसके बाद उसको ठंडा होने दे, ठंडे होने के बाद उसमें डाल दे बूरा, बूरा डाल लो, मावा डाल लो और बूरा उसमें इस तरह से डाल लो कि अच्छे से लड्डू बन जाए। घी का इस्तेमाल कम करे, वरना बिल्कुल है ना हलवा टाइप हो जाएगा। और जो चीज़ें ना बेस्वाद लगती है खाने में, मतलब जिसका स्वाद अच्छा ना लगे खाने में या हमें देखने में अच्छी ना लगे, वो चीज़ ताकतवर होती है। और दलिया तो बहुत ताकतवर चीज़ है, कि बोलते हैं कि दलिया पौष्टिक आहार की पूर्ति करता है। दलिया बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सबके लिए बहुत अच्छा होता है। दलिए के लड्डू इतने टेस्टी लगते हैं बहुत। मैंने एक बार पहले बनाए थे तो मैंने सोचा आज वीडियो में शेयर कर दूँ। और साथ के साथ मैंने चावल का आटा पिसवा रखा था, उसके लड्डू बनाए हैं, तो सेम वही करना है। चावल के आटे का जो, चावल का जो आटा है ना, उसको हमें पता क्या करना है, उसको हमें भूनना है। और उसको तब तक भूनना है जब तक उसमें से हमें महक आनी शुरू ना हो जाए भुनने की। एक तो वाइट वाइट सा रहता है, वो तो बिल्कुल अगर हम भून भी रहे हैं वाइट वाइट है तो कच्चा है, इसका मतलब अभी भी वो हल्का हल्का सा लाल लाल होना शुरू हो जाता है, वो भुन जाएगा। उसके बाद में आप है ना, या तो भुनने के बाद उसमें घी डाल ले थोड़ा सा अलग से गर्म करके। बेटे क्यों फाड़ रही, अलग से घी डाल ले गर्म करके, और घी डालने के बाद में उसको अच्छे से मिला ले, ज़्यादा पतला ना रखे ना ज़्यादा टाइट रखे। उसमें फिर हम डालेंगे मावा। जी हाँ, चावल के आटे के लड्डू बहुत स्वाद लगते हैं। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ में बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और एक कमेंट मुझे आ रहा था कि कायरव इधर उधर कूड़ा फैलाता, आप एक डस्टबिन रखो रूम में। ठीक है, मुझे आपका कमेंट अच्छा लगा, बुरा नहीं लगा। मैं जल्दी ही डस्टबिन लाने की कोशिश करूँगी, या फिर बनाऊँगी डब्बे वगैरह से कुछ भी। मतलब थोड़ा थोड़ा सा चीज़ों को जानने लगा, सीखने लगा है। मैं मानती हूँ भाई आपके बच्चे जो आप बता रहे थे कमेंट में, वो ज़्यादा भाई आपके घर में सिखाने वाले होंगे, मैं नहीं सिखा पा रही होंगी। पर सब चीज़ें मैं एकदम नहीं सिखा सकती, थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत चीज़ों का फ़र्क पड़ गया है। पहले तो बहुत चीज़ें ऐसी थी जो वो जानता नहीं था, करता नहीं था, अनजाने में मतलब बोलने का उसका लहजा बहुत अलग था। अब तो बहुत फ़र्क पड़ गया है, मम्मी जी आप दे दो, आप कर दो, आप क्या कर रहे हो, तो
थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है उसकी बातें। और रही जिद की बात, तो ना समझ है थोड़ा भी, जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा सब ध्यान ना आता चला जाएगा। तो कोशिश मेरी यही है कि भाई उनको अच्छा सिखाऊं, पर आपका कमेंट मुझे बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा, आपने राय दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बातें मेरी इतनी लंबी हो जाए, बहुत लंबी, और चलिए फिर गुड नाइट।